और TAC का मतलब है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, एडवाइस देना है राज्यपाल को, लेकिन हेमंत सरकार ने इसको बना दिया है ट्राइबल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, माने खुद हम इसका कार्यकारी करेंगे, तो ये गलत है। तो इन तमाम जो प्रावधानों को उल्लंघन करके झारखंड सरकार करने वाली थी उस पर रोक लग गया, इसीलिए इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कहेंगे। ये राजभवन और मुख्यमंत्री के बीच की रसाकसी में संविधान का फलूदा निकल गया है। तो ईसाई मिशनरी और ईसाई बने आदिवासी को डीलिस्टिंग किया जाए, SP सूची से हटाया जाए, ये हमारी मांग है। पूरे राज्य भर में नगर निकाय चुनाव होने थे, मगर TAC की बैठक के बाद फिर से एक बार कहीं ना कहीं जो नगर निकाय चुनाव है झारखंड में वह टलता हुआ नज़र आ रहा है। और यह आरक्षण को लेकर हो रहा है, इस बार जो है रांची की जो सीट है उसे SC आरक्षण कर दिया गया, जिसके बाद तमाम जो आदिवासी संगठन है इसका विरोध कर रहे थे। कानून के अच्छे जानकार तालखान मुर्मू जी हमारे साथ है, हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से जो है TAC को असंवैधानिक किया कहा जा रहा है उसमें क्या सच्चाई है और उसे वो कैसे देखते हैं। सलखान जी, गवर्नर ने भी जो है TAC की जो ये बैठक है उसे असंवैधानिक बताया है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? हमारा नाम सालखन मुर्मू है, हम दो बार सांसद रह चुके हैं और अभी आदिवासी संगेल अभियान, संगेल माने सशक्तिकरण, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में हम लोग आदिवासियों के सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं। झारखंड में दो तीन विषय हैं, एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के मामले पर संविधान में जो व्यवस्था है बिल्कुल स्पष्ट है, अनुच्छेद 244 के 1 के तहत पार्ट बी के धारा 4 के 3 में लिखा हुआ है केवल राज्यपाल को ही ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल गठन करने का अधिकार है, किंतु झारखंड में हेमंत सरकार ने बिना राज्यपाल की सहमति और अनुमोदन की TAC का गठन कर दिया है। और TAC का मतलब है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, एडवाइस देना है राज्यपाल को, लेकिन हेमंत सरकार ने इसको बना दिया है ट्राइबल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, माने खुद हम इसका कार्यकारी करेंगे, तो ये गलत है। और इसलिए राज्यपाल महोदय ने इसको असंवैधानिक घोषित किया है, इसको हेमंत सरकार को नोटिस भी लिख के दिया है, आप गलत कर रहे हैं इसको ठीक कीजिए, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया है। और हाल में जो नगर निकाय चुनाव पर इन्होंने और एक बैठक बुला के कर दिया कि कराना है नहीं कराना है, उस पर भी हमारा कहना है कि नगर निकाय चुनाव में जब तक भारत के पार्लियामेंट के द्वारा अनुच्छेद 243(3) के तहत एक संशोधन नहीं होगा, नगर निकाय चुनाव शेड्यूल एरिया 5वीं अनुसूची क्षेत्र जो झारखंड में है वहाँ गलत है, असंवैधानिक है। और जब भी नगर निकाय चुनाव पेशा पंचायत कानून की तहत मेसा नगर निकाय चुनाव संशोधन होगा तो सभी चेयरपर्सन का पद आदिवासी के लिए आरक्षित होना है। तो इन तमाम जो प्रावधानों को उल्लंघन करके झारखंड सरकार करने वाली थी उस पर रोक लग गया है। और तीसरी बात है, जितने आदिवासी ईसाई धर्म को अपना लिए हैं वो एक प्रकार से हमारी जो प्रकृति पूजा धर्म है, प्राचीन भाषा, संस्कृति, सोच, संस्कार, जीवन मूल्य, उसमें परिवर्तन ले आए हैं, तो ईसाई मिशनरी और ईसाई बने आदिवासी को डीलिस्टिंग किया जाए, ST सूची से हटाया जाए, ये हमारी मांग है। और झारखंड में राष्ट्रपति शासन अविलंब लागू की जाए, तभी यहाँ जनतंत्र, संविधान और जनहित की सुरक्षा रक्षा हो सकती है। तमाम एजेंसियाँ जो है झारखंड में पड़ गई है, झारखंड सरकार में जो बैठे अधिकारी है और मंत्री है उनके यहाँ छापा भी पड़ रहा है, ऐसे में झारखंड का विकास कैसे होगा सलखान जी? नहीं, इसी के लिए तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर ऑफिसर भी लूटपाट में व्यस्त हैं, नेता भी लूटपाट में व्यस्त हैं, तो यहाँ का विकास होना कैसा है? इसीलिए एक बार संविधान कानून के मार्फत
राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगाया जाए और जितने लोग लूटपाट में शामिल हैं उनको ठीक से पकड़ा जाए, जकड़ा जाए, जेल भेजा जाए, तभी यहाँ कुछ सुधार हो सकता है। अगर TSC की जो बैठक थी वो असंवैधानिक थी, जो पिछले दिनों बैठक हुई, तो आप इसको देख रहे हैं कहीं ना कहीं आदिवासी की भावनाओं के साथ हेमंत सोरेन खेल गए? हाँ बिल्कुल, ये हेमंत सोरेन तो संविधान कानून मान नहीं रहा है ना, और उल्टा उल्टा काम कर रहा है। अरे TSC में उसको कमिटी बनाने का अधिकार नहीं है, वो खुद ही उसका चेयरमैन बन बैठा है। TSC में कौन चेयरमैन बनेगा ये भी तय गवर्नर महोदय को करना है, 20 लोग कौन कौन सदस्य होंगे ये भी तय गवर्नर को करना है, मीटिंग कब होगी, एजेंडा क्या होगा ये भी गवर्नर को तय करना है। मगर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी मर्जी चला रहे हैं, वैसा नहीं होगा, ये संविधान के खिलाफ है, इसीलिए इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कहेंगे। ये राजभवन और मुख्यमंत्री के बीच की रस्साकसी में संविधान का फलूदा निकल रहा है और ये देश के लिए, जनतंत्र के लिए, संविधान के लिए, राष्ट्रपति राज्यपाल जैसे गरिमामय संवैधानिक पदों के ऊपर में सीधा हमला है, तो गलत हो रहा है। इसलिए राष्ट्रपति शासन होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। सलखान जी, पिछले दिन डिलिस्टिंग को लेकर एक रैली निकली, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं इस रैली का समर्थन करता हूँ, डिलिस्टिंग होना चाहिए। जो आदिवासी ईसाई बन गया है वो इधर भी फायदा उधर भी फायदा, ये ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए आदिवासी सिंगल अभियान उसका समर्थन करता है जो रैली हुआ था। थैंक यू। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखान मुर्मू जी थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा जो यह TSC की बैठक थी वो असंवैधानिक थी, आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव झारखंड भर में उन्हें फिलहाल उसको स्थगित कर दिया गया है। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल खबर के साथ।